हेलो एवरीवन, टॉपिक फॉर टुडे इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में हम चीजें देखेंगे कि किस तरीके से हमको एग्जाम के लिए वो रेलेवेंट है। टॉपिक मेंशनड है प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नए सिलेबस में भी है और ओल्ड सिलेबस में भी दिया हुआ है। बिफोर वी बिगिन, आप अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड टॉप एमपीपीएससी यूज कर सकते हैं। दिस विल गिव यू 10% डिस्काउंट एंड यू कैन अवेल ऑल दी कोर्सेज इन प्लस। एवरी डे 9 बजे मेरा एक चैप्टर पे स्ट्रैटेजी का वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब में, एंड स्पेशल क्लास आप अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप में, विच विल बी फॉर 1 आवर एंड दिस इज फॉर फ्री। इसमें अलग अलग टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। ओके, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखते हैं कि किस तरीके की ये बॉडी है। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है कि ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। ओके, जो भी बॉडी किसी एक्ट के तहत बनाई जाती है, किसी अधिनियम के तहत बनाई जाती है, उनको स्टैचुटरी बॉडी बोला जाता है। तो कंपटीशन कमीशन एक स्टैचुटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसका काम है कि ओवरऑल जो कंपटीशन है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना, मोनोपोली नहीं आने देना, एक प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। ये बनी है कंपटीशन कमीशन का जो एक बॉडी का ओवरऑल फॉर्मेशन हुआ है, ये कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002 का। 2002 में एक कॉम्पिटिशन एक्ट आया था, उसको एनफोर्स करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है। ओके, और इसका एक मेजर फंक्शन है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कंपटीशन इनहिबिट हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एक्टिविटीज दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कंपटीशन में या प्रतिस्पर्धा में कोई भी ऐसी चीज जिससे एक खराब प्रभाव पड़ रहा हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, उसको ये बॉडी रोकने का प्रयास करती है। सबसे पहले एक हमारे पास इसके पहले एक एक्ट था जिसको सक्सीड करते हुए फिर कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में। तो पुराने एक्ट का नाम था एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट का मतलब है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो मोनोपोली मतलब कि एकाधिकार अगर किसी का हो जाता है, जैसे आपको पता है सपोज माइनिंग ले लें तो उसमें कोल इंडिया का मोनोपोली है, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली हुआ करता था ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। तो मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए एक एक्ट आया था एमआरटीपी एक्ट 1969 में। इस एक्ट को रिपील किया गया और फाइनली 2002 में कंपटीशन एक्ट आया जिसके तहत ये बॉडी बनाई गई। तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस एक्ट को रिप्लेस करते हुए फिर कंपटीशन एक्ट आया था 2002 का। तो आपका आंसर होगा एमआरटीपी एक्ट। ओके, उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक स्टैचुटरी बॉडी है ये फाइनली इसके एक्ट के प्रोविजन के तहत बनाया गया, मार्च 2009 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ओके, अब हम आते हैं 2007 में। इसका 5 साल के बाद एक अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट के बाद एक एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसको अब हम एनक्लैट बोलते हैं, एनसीएलएटी। आपने अभी रिसेंटली साइरस मिस्त्री का केस सुना होगा जिसमें कुछ कुछ डिसीजंस आए थे, तो एनक्लैट के डिसीजंस थे एनसीएलएटी के। 2017 से इसका रीनेम कर दिया गया एपिलेट ट्रिब्यूनल का एनसीएलएटी। ओके, उसके बाद एक रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, जैसे मैंने बताया रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए बॉडी बनाई गई है, और ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करती है। कहने का मतलब है कि जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें ऑब्वियसली उपभोक्ता शामिल है, कंज्यूमर उसमें इंक्लूडेड होता है, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं, गवर्नमेंट खुद इसमें एक पार्टी होती है, और इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन या इंटरनेशनल फोरम्स में कोई भी निर्णय लिए जाते हैं तो उनको भी संज्ञान में लिया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बॉडी फिर फंक्शन करता है। एक नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्पिटेंस लेवल इसमें बहुत हाई होता है क्योंकि अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स इसमें शामिल किए जाते हैं, जो हमेशा इंश्योर करते हैं कि मार्केट में एक प्रतिस्पर्धा बनी रहे और मोनोपोली कहीं से भी ना पनपे। आपको इसके रोल्स इंपॉर्टेंट है, मींस में क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, या उसमें आप इस तरीके से शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद इस तरीके के रोल्स लिखेंगे कि ट्रेड का फ्रीडम इंश्योर करता है। ओके, जो उपभोक्ता है उसका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके चलता है हमेशा, मार्केट में एक प्रतिस्पर्धा बनाए रखता है, हमेशा अनुकूल परिस्थितियां बना के देता है कंपटीशन के लिए, अपनी ओपिनियन और एडवाइजेस, क्योंकि एक नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉलेज का एक स्टोर हाउस है, तो एक कंपटीशन इश्यूज में कभी भी कोई भी ओपिनियन देता है, और फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन मतलब एक फ्रीडम देता है कि कोई भी मार्केट में परफॉर्म कर सकता है,
कोई भी छोटे से छोटा व्यापारी भी अगर आ रहा है तो उसको कहीं से भी कोई लॉस नहीं हो कंपटीशन के चलते, इस चीज को इंश्योर करना इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दीज आर दी मेन फंक्शंस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में भी इसकी कॉम्पोजिशन पूछ सकते हैं। ओके, तो कॉम्पोजिशन आप देख लीजिए, एक चेयरपर्सन होता है इसमें और छह दूसरे मेंबर्स होते हैं, तो टोटल 6 + 1 मेंबर्स हो गए इसमें, टोटल 7 मेंबर्स हो गए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, एक ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, मतलब पार्शली जुडिशियल बॉडी है। जुडिशियल बॉडी इसलिए क्योंकि कोई डिसीजन लेती है, सपोज आईपीएल के चलते उसको बीसीसीआई पे फाइन करना है, तो एक डिसीजन लिया जाएगा, एक जजमेंट पास किया जाएगा, इसीलिए एक जुडिशियल बॉडी है जो निर्णय लेती है। ओके, चेयरपर्सन और जो दूसरे मेंबर्स हैं वो होल टाइम मेंबर्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं। एलिजिबिलिटी इनकी बस ये होती है कि जो इसका चेयरपर्सन है और बाकी के जो दूसरे मेंबर्स हैं, दे शुड बी दी पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी स्टैंडिंग, इस तरीके का, और क्वालिफाइड एबिलिटी वाले पर्सन होते हैं, और जो कि एक जज ऑफ द हाई कोर्ट के कंपिटेंस लेवल, जो इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जज के लिए होता है, हाई कोर्ट के जज के लिए, वो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इस इन मेंबर्स के लिए भी होना चाहिए अगर उनको यहाँ पे आना है तो। इस चीज से क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि दे शुड बी इधर भी क्वालिफाइड एज जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो क्वालिफिकेशन आपको याद रखना है। बाकी लोग अलग अलग फील्ड के एमिनेंट पर्सन होते हैं जिनको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। ओके, 15 ईयर्स ये टर्म आपको याद रखनी है, 15 साल या मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस एटलीस्ट उनको होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, या अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर आदि इत्यादि, ये सारी चीजें। ओके, देन कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको देख लेने हैं कि जो हमारे फंक्शंस थे लगभग लगभग वही ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं, कि एक फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर हो, कंज्यूमर का इंटरेस्ट का कहीं से भी उसके हनन ना हो, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहे हैं मार्केट में, और एडवर्स ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी होती हैं वो ना हो जिससे मार्केट की प्रतिस्पर्धा इफेक्ट ना हो। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से आपको पढ़ना है, मेनली आप मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे कि डिस्क्राइब दी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है आपसे कि स्ट्रक्चर क्या होता है कंपटीशन कमीशन का, तो आपको चेयरमैन और 6 मेंबर जो अलग होते हैं, 6 + 1 मेंबर, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो एक क्वालिफिकेशन वगैरह और जो उनका एक्सपीरियंस होता है, 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको अलग अलग फील्ड में, हाई कोर्ट के जज की तरह जो क्वालिफिकेशन है वो चेयरपर्सन पूरा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और दूसरा, इसके फंक्शन से मेन में क्वेश्चन पूछ सकता है मेन्स में कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफाइन करिए अलॉन्ग विद द फंक्शंस, तो आप डिफाइन करेंगे कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत बना, आपको एक्ट बताना होगा, और उसके बाद बताना होगा कि उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, जो हमने 4-5 फंक्शंस लिस्ट किए थे। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन कमीशन के बारे में, तो बेसिकली आप बताएंगे कि कौन से एक्ट के तहत बना और क्या बेसिक पर्पस वो सॉल्व करता है। ओके, और आपको ये मेंशन करना होगा कि एक स्टैचुटरी बॉडी है, ये टर्म आपको डालनी होगी, स्टैचुटरी बॉडी मतलब एक बॉडी जो किसी अधिनियम के तहत बनी हुई है। ओके, दैट इज इट, थैंक यू सो मच।